हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मौर्या जी टेक्निकल में। मैं हूं अमित कुमार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के कुछ नए ट्रिक के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसे आप किसी को अगर व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज भेजते हो तो आप उस मैसेज को कितना स्टाइलिश तरीके से भेज सकते हो। आज मैं आपको कुछ मैसेज भेज के दिखाऊंगा व्हाट्सएप पे, और काफी स्टाइलिश तरीके से। जैसे आप उस मैसेज को कई तरीके से मॉडिफाई भी कर सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्टिकर्स के बारे में बताऊंगा कि आप किस तरह से अच्छे अच्छे स्टिकर्स अपने व्हाट्सएप में ऐड कर सकते हो और लोगों के पास कैसे भेज सकते हो उनको, और अपने अपने फोटोज का भी आप स्टिकर किस तरह बना सकते हो। आज मैं आपको ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, हम आ गए अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पे। अब मैं सबसे पहले आपको व्हाट्सअप ओपन करके दिखा देता हूँ कि मैं किस टाइप का ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ मैंने व्हाट्सअप ओपन कर लिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने टेक्स्ट भेजे हैं, मैसेजेस। यहाँ पे आप इसके स्टाइल को देख सकते हो, इसके डिज़ाइन को देख सकते हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरह डिज़ाइनिंग टेक्स्ट कैसे भेज सकते हो। और यहाँ पे आपको नीचे आई लव माई इंडिया दिख रहा होगा, मौर्य जी टेक्निकल। इस टाइप के स्टिकर्स आप कैसे बना सकते हो बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों, इसके लिए हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हमें प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। यहाँ पे प्ले स्टोर पे जाने के बाद हमें टाइप करना है व्हाट्स ब्लू टेक्स्ट। यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, व्हाट्स ब्लू टेक्स्ट। यहाँ पे आप जैसे ही इसको प्ले स्टोर पे डालोगे तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। और काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, 4.1 की इसकी रेटिंग है और काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुका है ये। तो इसको मैंने अपने फ़ोन में पहले से इंस्टॉल कर रखा है। अब मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि किस तरह आपको टेक्स्ट को डिज़ाइन में बनाना है और उसके बाद किस तरह स्टिकर्स को बनाने हैं। तो यहाँ मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे, फैंसी टेक्स्ट, स्टिकर टेक्स्ट और स्टिकर पैक, पर्सनल स्टिकर्स और पेंसिल स्टिकर्स। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको फैंसी टेक्स्ट के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ फैंसी टेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे जैसे आपको कोई भी मैसेज भेजना है, जैसे हाउ आर यू, हाउ आर यू मैंने यहाँ टाइप कर दिया है। अब आपको नीचे दिख रहा होगा डिज़ाइंस, आपको जिस डिज़ाइन में सेंड करना है आप यहाँ पे उस पर क्लिक करोगे, ये उसमें उस डिज़ाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मुझे इस डिज़ाइन में भेजना है, यहाँ पे ऐड आएगा, ऐड पे ऐड को हम कट कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको कॉपी करना है तो कॉपी करके आप भेज सकते हो, और डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भेजना है तो आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, और शेयर टेक्स्ट करना है तो शेयर टेक्स्ट कर सकते हो। तो मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है तो मैं यहाँ व्हाट्सएप पे क्लिक कर देता हूँ। अब जिसके नंबर पे आपको भेजना है वो यहाँ से नंबर सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद यहाँ पे सेंड पे क्लिक कीजिए। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे बॉक्स में यहाँ पे हाउ आर यू डिज़ाइन में दिख रहा है। तो आप इस तरह कोई भी मैसेज को डिज़ाइनिंग में कन्वर्ट करके उसको भेज सकते हो। अब हम बैक आ जाते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे डिज़ाइंस मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे डिज़ाइंस हैं। अब मैं बैक करने के बाद अब स्टिकर टेक्स्ट पे आ जाता हूँ, स्टिकर टेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे आप कोई भी इमेज पे अपना नाम लिख के उसको स्टिकर में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, तो यहाँ जैसे ऐड टेक्स्ट और ऐड स्टिकर्स, चेंज फ्रॉन्ट, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं एक स्टिकर ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे ऐड स्टिकर पे हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे आइकन्स दिख रहे होंगे और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे फ्लैग जैसे है, रेड लव है, तो यहाँ हम जैसे फ्लैग पे क्लिक कर देते हैं। अब मुझे जैसे अपना तिरंगा सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम ये जो बैकग्राउंड है इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ऊपर रबड़ का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा इरेजर का, हम इस पर ओके श्योर कर देते हैं, ये देखिए रिमूव हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ फ्लैग पे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ मैंने फ्लैग सेलेक्ट कर लिया। अब बैक आ जाते हैं, बैक आने के बाद यहाँ पे ऐड टेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे जो कुछ भी लिखना है लिख देते हैं, जैसे अमित लिखना है।
लिखने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये आ गया। अब इसके फ्रंट को भी हम चेंज कर सकते हैं, स्टाइल को। यहाँ चेंज फ्रंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसके डिज़ाइन को आप चेंज कर सकते हो। जैसे देखो आप डिज़ाइन चेंज हो रहा है, बहुत सारे हैं, आप किसी भी डिज़ाइन में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया। अब बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद इसके बैकग्राउंड को आप कलरफुल कर सकते हो और उसके बाद कलर को हटा सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कलर हट गया। अब यहाँ पे शेयर पे क्लिक करके आप इसको शेयर कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे स्टिकर पैक का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे स्टिकर्स दिख रहे होंगे, तो यहाँ से आप प्लस पे जब क्लिक करोगे तो ये स्टिकर्स आपके व्हाट्सएप में ऐड हो जाएंगे, आप उनको सेंड कर सकते हो। बहुत सारे स्टिकर्स हैं। अब यहाँ बैक आ जाते हैं, तो यहाँ पर्सनल स्टिकर पे आप क्लिक करोगे तो आपकी गैलरी में जो भी इमेज है वो स्टिकर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप उनको स्टिकर स्टिकर जैसा होता है उस तरह आप इसको भी भेज सकते हो। अब यहाँ पे बैक आने के बाद आपको लास्ट ऑप्शन दिख रहा होगा, फिफ्थ वाला पेंसिल स्टिकर। इस पर हम क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले कलर को चेंज करेंगे। अब बैकग्राउंड को चेंज कर देते हैं कलर। अब उसके बाद यहाँ पे हम कुछ भी टेक्स्ट कर सकते हैं हाथ से, जैसे पेंसिल से हम लिखते हैं उस तरह से। जैसे यहाँ पे मुझे टेक्स्ट करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम टेक्स्ट कर रहे हैं, अमित लिख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह मैंने लिख दिया। तो इस तरह आप डिजाइनिंग करके पेंसिल से जैसे लिखा जाता है उस तरह हाथ से लिख के आप इसको किसी को भी डायरेक्टली शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और उसके बाद किसी भी मैसेंजर वगैरह से डायरेक्टली यहाँ से सेंड कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।